जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37 और 58 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष प्राप्त हों। तो दोस्तों ऐसे ये क्वेश्चन जो है ये एलसीएम एचसीएफ से है। तो ये देखिए, इसमें आप यहाँ पे दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी जहाँ पे पूछता है दोस्तों तो उसमें एचसीएफ ही निकालना होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे दिया होगा वह छोटी से, यानी छोटी से छोटी संख्या है, तो उसका आपको लाशापा निकालना है, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया है तो क्या निकालना है, उसका मासापा यानी एचसीएफ, और लाशापा को क्या कहते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37 और 58 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष प्राप्त हो। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें मासा निकालना। तो मासा निकालने के लिए पहले क्या दिया है कि 37 और 58 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बच रहा है। तो यानी हमको क्या करना है, इसमें 37 है तो 37 में से यहाँ 37 लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए 58 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 2 शेष बच रहा है, यानी इसमें से 2 माइनस करेंगे, और इसमें 3 शेष बच रहा है तो 3 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 55। तो मासापा का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि ऐसी संख्या जो दोनों को बराबर बराबर विभाजित कर दे। तो देखिए 35 और ये 55 है, तो कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 5 ही होगा, 5 × 7 = 35 और 11 × 5 = 55। तो यानी दोस्तों इसका आंसर क्या है, 5। देखिए दोस्तों कितने जल्दी इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 व 98 को भाग देने पर दोनों दशा में 3 शेष बचे। तो इसमें देखिए, इसमें भी दिया है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप जानते होंगे एचसीएफ और एलसीएम का पहचान क्या है। जैसे एचसीएफ में दोस्तों यानी मासापा में बड़ी से बड़ी पूछा जाता है, और जबकि एलसीएम में यानी लाशापा में छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है। तो ये भी एचसीएफ है दोस्तों। तो इसको जैसे पहले वाला हम लोग देखे थे उसमें 2 शेष बच रहा था, लेकिन इसमें 1 ही शेष बच रहा है, वो भी 3 केवल। तो इसको क्या करना है, सेम उसी तरह से करना है दोस्तों, 60 में से -3 कर देंगे और यहाँ 98 में से 3 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 57 और यहाँ हो जाएगा 95। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का एचसीएफ होगा 19, यानी मासा पा ये होगा 19 इसका आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें भी देखिए वही सेम प्रोसेस है। इसमें दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 38, 66 व 80 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान रहे। तो इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या है पूछा दोस्तों, यानी कि ये भी मासापा ही है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान रहे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हमको आपस में यही सब संख्याएं पहले घटा देनी है। जैसे 66 − 38 कर देना है और 80 में से 66 माइनस करना है और 80 से 38 माइनस करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, इसके नीचे दोस्तों प्राप्त होगा 28 और ये हो जाएगा 14 और ये 42। अब देखिए दोस्तों इन सब का मासा क्या होगा, मासा वह संख्या होता है जो दोस्तों जो सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या मासा क्या होगा दोस्तों, इसका होगा 14। देखिए ये 14 से 28 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मासा इसका क्या होगा, 14।
यानी दोस्तों आंसर इसका कितना हुआ, 14। चलिए अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 18, 35 व 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2, 19 और 26 शेष बचे। तो देखिए दोस्तों पहले इसको समझिए कि ये एचसीएफ है या एलसीएम है। तो देखिए दोस्तों ये एलसीएम है यानी लास्ट सपा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे दिया है यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे, और एचसीएफ बताए थे दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, यहाँ पे देखिए दिया छोटी से छोटी संख्या, तो ये एचसीएफ है एलसीएम है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया 18, 35 व 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना इतना बचे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसको भी वही करना है, दिया है 18, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ दिया है 35, 35 में से 19 माइनस, और 42 में से 26 माइनस। अब देखिए दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 16 होगा दोस्तों, यहाँ पर भी 16 है आएगा, और यहाँ पे भी 16 आएगा, यानी सब में 16 16 ही सेम आ रहा है। तो अब दोस्तों क्या करना है हमको, ये जो संख्या दिया है 18, 35 और 42, 18, 35, 42 का हमको लासापा निकालना है। उसके बाद पहले इसका लासापा निकाल लेते हैं, जो लासापा आएगा उसमें से हमको 16 माइनस कर देना है दोस्तों। तो इसका लासापा हो जाएगा दोस्तों एलसीएम 630 माइनस 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, 614, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 24, 32 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोस्तों ये भी देखिए एलसीएम ही है, इसका लासापा ही निकालना है, क्योंकि यहाँ भी छोटी से छोटी संख्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका हम पहले निकाल लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए 24 और 32, 42 का पहले हम लासापा निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसका लासा हो जाएगा दोस्तों 672, यानी इसका लासापा हो जाएगा दोस्तों 672, एलसीएम 672। और कहा क्या है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 24, 32 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोस्तों जैसे ये संख्या आया है इसका, इन तीनों संख्याओं का लासा, तो दोस्तों ये लासा है, तो अगर तो दोस्तों जैसे ये दिया है ये इन संख्याओं का लासा है यानी एलसीएम है, और इसमें कहा गया है क्या कि 5 शेष बचे। तो दोस्तों ये इन तीनों संख्याओं का 24, 32, 42 का एलसीएम है, तो अगर इसमें 24 का भाग देंगे दोस्तों तो पूरी पूरी कट जाएगी, 32 का भाग देंगे तब भी ये पूरी पूरी कट जाएगी, अगर 42 का इसमें भाग देंगे तब भी ये पूरी पूरी कट जाएगी। और इसमें पूछा क्या है कि अगर इनसे भाग दिया जाए तो 5 शेष बचना चाहिए, तो इसमें दोस्तों 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि इतने में जब हम 24 का भाग दे रहे हैं तो ये पूरी तरह से कट जाएगी, इसका अगर इसमें भाग देंगे तब भी कट जाएगी, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो वही शेष बार बार बचेगा, यानी ये पूरा कट जाएगा वही 5 शेष बचेगा, तो इसमें हम प्लस 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 776, ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है,
इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है अगर उनका मासापा 11 हो तो बड़ी संख्या, यानी कोई संख्या है उसका एवरेज दिया है, यहाँ पे अनुपात दिया है दोस्तों 7:8 है अगर उनका मासापा 11 हो तो बड़ी संख्या। तो दोस्तों आप जानते होंगे मासापा में, मासापा मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो या तो एक तरह से जान सकते हैं दोस्तों, यानी इस सीएफ को कॉमन नंबर भी कहा जा सकता है, यानी जो सब में कॉमन हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया कि जो दो संख्या दिया है उनका अनुपात है 7:8 और उन संख्याओं का मासापा कितना है 11 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो आप जानते होंगे मासापा को आप कॉमन भी मान सकते हैं, यानी कि वो सब में कॉमन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 11 दिया है दोस्तों मासापा, तो 11 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो 77 हो जाएगा और 8 में कर देंगे तो 88 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 88 हो जाएगी, छोटी संख्या 77 हो जाएगी। और अगर 77 और 88 का आप HCF निकालेंगे तो कितना होगा, 11 होगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि मासापा सब में कॉमन होती है। तो इसको बहुत ही एक लाइन में आंसर ला सकते हैं दोस्तों, ऐसे दिया है, पहले ऐसे मान लेते हैं, लिख लेते हैं दोस्तों ये 7 है ये 8 है, देखिए इनका वो दिया था औसत। अब अगर इनमें हम गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 88। अगर अब इन दोनों का आप मासापा निकालेंगे दोस्तों तो 11 ही प्राप्त होगी दोस्तों, क्योंकि मासापा कॉमन होता है। तो ये देखिए इसमें कॉमन क्या है, यही है दोस्तों 11 है, क्योंकि ये तो औसत दिया ही है 7 और 8, तो ये कॉमन होता तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 77 और 8 में कर देंगे तो 88। अब 77 88 का मासापा कितना होगा, 11 होगा। अब बड़ी संख्या इसमें कौन सी, 88 है, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 88 आंसर। और 77 जो है दोस्तों ये छोटी संख्या है। इस तरह से दोस्तों बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है दो संख्याओं का मासापा 96 है और लासापा 1296 है, तो यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, मासापा गुणे लासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए मासा कितना दिया है, 96 मल्टीप्लाई 1296 LCM है बराबर, तो यहाँ दिया है एक संख्या, तो पहली संख्या दिया है दोस्तों 864 और दूसरी नहीं दिया है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए ये एक्स है दोस्तों, तो हमको एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई अपॉन, ये होगा दोस्तों। अब इसको हमको क्या करना है, इसको कट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम कट कर दे रहे हैं, जैसे ये 96 है तो कर देते हैं 24 चौके 96, इसको भी 4 से कट कर देते हैं तो हो जाएगा 216 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए इसको कट कर दे रहे हैं, ये 24 है ये 16, तो ये 12 कर दे रहे हैं 2 से, और ये हो जा रहा है 108। उसके बाद इसको फिर से काट देते हैं 54 और ये 6, 9
सॉरी दोस्तों, 54 है यहाँ पे दोस्तों, ये 9 नहीं, यहाँ 54 है, ये 54 है, तो इसको हम काट देते हैं, 27 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 1296 और 3 है, तो 1296 मल्टीप्लाई 3 बराबर। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए 3 बचा है और यहाँ पे कितना बचा है, और यहाँ पे देखिए 27, तो यहाँ हम लिख दिए हैं 1296 मल्टीप्लाई 3 और अपान में 27। तो अब ये देखिए इसको काट देते हैं, देखिए यहाँ 9 लिख देते हैं, देखिए 3 × 3 9 3 27, यानी बचा 1296/9। तो इसको कटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 144, 144 प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यानी पहले संख्या जो दिया है ये, यहाँ पे देखिए ये दिया है, तो दूसरी संख्या दोस्तों हो जाएगी 144, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।